हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय जो है गर्मी एकदम पीक पे चल रही है और इस गर्मी को सबसे ख़राब वाली गर्मी के जो है चरणों में गिनती होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चिपचिपा मौसम होता है, उमस होती है और जो है सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी जो है सीज़न में होती हैं। क्योंकि ये जो गर्मी है, बरसात और उमस और मानसून के जो है बीच के मिक्सचर की गर्मी होती है। जहाँ पे मानसून और उमस ज़्यादा होता वहाँ बरसात देखने को मिलता, उसके बगल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बीमारी अगर जो होती है दोस्तों देखने को मिलता है, तो वह टाइफाइड देखने को मिलता है कि लोगों को टाइफाइड होता है। और साथ साथ में टाइफाइड जब ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर्स जॉइंटिस के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और आपको LFT की जांच लिखी जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट की, तो पता चलता है कि जॉइंटिस भी साथ में हो गया है। और कंडीशंस ऐसा होता है कि मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, बहुत प्यास लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नौसिया वोमिटिंग होती है, मैप्ड टंग। जी हाँ दोस्तों, मैप्ड टंग कहने का मतलब क्या है? व्हाइट कोटेड पैचेज के साथ में अल्सरेटेड टंग का देखना, जुबान का फटना, बहुत ज़्यादा छाले का निकलना, स्किन का पीला हो जाना, आँखों का कंजक्टिवा पीला होना और साथ साथ में बाथरूम बहुत जो है पीला पीला आने लगता है। और मरीज को बहुत जो है यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है, बर्निंग भी होती है, साथ साथ में देखने को मिलता है कि वोमिटिंग होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, उल्टी मिचली होने लगती है और कुछ केसेस में ऐसे भी देखना है कि जो है उसको नासिएटेड सिम्टम्स तो होते हैं, अर्थात तो उसे ओकाई तो आता है बट कुछ निकलता नहीं है, या थोड़ा बहुत हरा रंग का पित्त जैसा कुछ निकल करके रह जाता है, पूरा मुंह का स्वाद खराब रहता है, टेस्ट ऑफ फायर ऑफ टेस्ट रहता है, कोई भी स्वाद जो है भोजन का नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में मरीज का सर दर्द बहुत होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होना और कंजेस्टिव हेडेक का होना, बहुत ज़्यादा सर में खिंचाव का होना। अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि पहले टाइफाइड हुआ, बाद में पता चलता है जॉइंटिस हुआ, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि पहले जॉइंटिस ही होता है, बाद में टाइफाइड देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंट अगर जो पहले का जो है प्राइमरी या पास्ट हिस्ट्री देखने को मिलता है कि पेशेंट को गाल स्टोन भी था या गाल स्टोन एट प्रेजेंट है उनको, तो ये सारे लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर जो मित्रों आपने ऐसे केसेस में अगर जो आपने लाइकेसिस नेट्रामम्यूल का प्रयोग किया है या जिंकम मेटेलिकम का प्रयोग कर चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या रस्टक्स का प्रयोग कर लिए नहीं फ़ायदा मिल रहा है, या आपने लाइकोपोडियम चेलिडोनियम और नक्स बोमिका का प्रयोग कर चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरे साथ बने रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शरीर का जो जॉइंटिस है, आपको जो बीमारी जॉइंटिस है, आपको जो टाइफाइड है, वो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। आपसे कर्बद्ध निवेदन है कि वीडियो एक जानकारी मात्र हेतु है, ताकि आप जन जन तक ये समझ सकें कि होम्योपैथ में किसी भी बीमारी की ढेर सारे ठीक होने की संभावनाएं हैं और बहुत सारे मेडिसिन्स हैं मित्रों, जो कि आपकी बीमारी को जड़तोड़ ख़त्म होने में मदद करेंगे। और तब तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप ठीक नहीं होते हैं तब तक आप ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए करेंगे और आप पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। आपको लॉन्ग लास्टिंग जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको बार बार आप बीमार नहीं होंगे और बार बार आपको दवा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप अपने खान पान और रहन सहन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप भविष्य में कभी बीमार ना पड़ें। तो आइए मित्रों, उठाएँ कागज़ और कलम, नोट करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंह परड़ी का फूल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जी हाँ, इसको कहते हैं टैरेक्सिकम। जी हाँ दोस्तों, टैरेक्सिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसका प्रयोग रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें, आपका जॉइंटिस बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, आपका नासिया वोमिटिंग जो कंडीशंस है जो बार बार आपको परेशान करता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा,
और टाइफाइड जड़ तो ठीक हो जाएगी। एक सिंगल दवा से इतनी सारी बीमारियों को आसानी से ठीक हो किया जा सकता है। एक फैटी लीवर है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर है, टेंडरनेस है, पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे, टाइफाइड हो गया है, भूख नहीं लगता है, एनोरेक्सिया है, वीकनेस है, तो इतनी तमाम चीज़ों को एक सिंगल दवा ठीक करने में सक्षम है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकॉन है, उसको दबाएं ताकि आप हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस को जो है आसानी से देख सकें, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रहें और आपका जो है कमेंट, आपका शेयर, लाइक मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा का काम करता है। और उम्मीद करते हैं कि जब तक जीवन है तब तक होम्योपैथी के प्रति मैं समर्पित हूँ। और स्पेशली माय डियर फ्रेंड, ये जो वीडियोज मैं बनाता हूँ यह है छोटे गरीब तबके लोगों के लिए, जो है बात को पहुँचाने के लिए बनाता हूँ। वह लोग जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं लेकिन कोई दवा नहीं ले पाते हैं और उनकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उनके लिए जो है स्पेशली ये जो है वीडियोज रहता है ताकि ये लोग ठीक हो सकें। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में कोई भी लीवर की दवा, कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी मेडिसिन जो है टाइफाइड के लेने जाएंगे तो मान के चले कि ठीक होते होते 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 95 या 90 रुपये की दवा है, 2 से 3 cc में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर जो आपने सही से दवा का प्रयोग किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 ही cc पर्याप्त है, बशर्ते होम्योपैथी में परहेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। अपना ध्यान दें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। और हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जो कोई बीमार लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं तो वो कैंसर है, लेकिन उससे बड़ा कैंसर ये है मित्रों कि लोग क्या कहेंगे, बीमारी का बहाना बना करके घर पे ना बैठें। परिवार को आपके सहयोग की ज़रूरत है, बच्चों को आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए कर्मठी बने, बच्चों के भविष्य को देखें और काम करें, भविष्य के भरोसे ना बैठें। क्योंकि मित्रों, किस्मत, भविष्य और भरोसा इंसान को उतना ही देता है जितना भगवान उसको देना चाहता है, लेकिन मेहनत करने के बाद में भगवान उसको उतना देता है जितना उसकी तमन्ना करता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार, बाय।